उच्चतम न्यायालय ने जारी किया था आदेश जिस पर ईपीएफओ काम कर रहा है। पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए, ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दिया उचित थे। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया था, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि ज्यादा पैसे भर रहे तो ज्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। ईपीएस के पेंशन धारकों की भी बल्ले बल्ले। ईपीएस पेंशन को लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ी घोषणा, जल्द मिलेगी सभी ईपीएस के पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी। अगर आप भी एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपके लिए फाइनली अभी अभी की खुशखबरी आई है सभी पेंशनर्स के लिए, उन्हें अब न्यूनतम पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। यानी कि आप सभी की न्यूनतम पेंशन है उसे बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। आपको बता दें कि आपकी पेंशन वर्तमान में 1000 रुपये की है, उस राशि को बढ़ा करके अब मांग की जा रही है कि पेंशनर्स की उस मांग को लेकर 9000 रुपये प्लस महंगाई बता देने को लेकर सरकार अभी काम कर रही है। इसको लेकर अभी अभी की बड़ी अपडेट आ रही है कि सरकार ने आज नोटिस जारी किया है पेंशन को लेकर। ईपीएफओ को आदेश जारी किया है कि ईपीएफओ अपने जो सब्सक्राइबर है उनको अच्छा पेंशन का फायदा दे। इसके लिए अभी ईपीएफओ काम कर रहा है, तो जल्द आपको पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है। इस तरह की पेंशनर्स के लिए अभी अभी की बड़ी खुशखबरी आ रही है।